الحمد لله الذي زين بحبيب المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالذَّاكِرِينَ فِي الْكَلَامِ الْحَدِيثِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَمْ أَرَى قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم صلي عليه إذا تكلم رؤياك النور يخرج من بين ثناياه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم صلي عليه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم زبان تا بود درد ہاں جائے گیر سنائے محمد بود دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجید اش بود متقا حیاتی مماتی ہما وقت ما عطا کن وسحال مرا مصطفیٰ چو بلبل براں گل فدایم بکن چو پروانہ جلوہ نمایم بکن گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر السلام والسلام کڈا سونا نام محمد دا اس نام دی ریسا کون کرے کڈا سونا نام محمد مدد اس نادی عریسا اس نادی عریسا جیتے کرما لیو تو سیو تھکے بیٹھے تو میں تقریبا تیسری چوتھی تقریر کرنا ما پیا تو آڈی میر بانی میں مرتو آڈنو پاڑوی تھکے ہوں سرکار دے نام ورگا کسے دا نام کوئی نہیں تو آڈے نال میری ملاقات ذرا جڑی ہے نا وہ پاڑی ہے تے انشاءاللہ مزہ آوے گا جے تسی بولے تے اوچی اوچی بولو اس نام دی عریسا کون کرے دو جگ تے سایہ رحمت دا
उस छां दी रीसा धन भाग हलीमा खुदाई दा जिदी गोद च वाली दो जग दा जिदी गोद च वाली दो जग दा उस मां दी अरी कौन करे जिदी गोद च वाली दो जगदा उस मां दी रीसा कौन करे किड्डा सोना नाम मोहम्मद दा रहमत दा नूर खजीना है शहरा विचू शहर मदीना है जिथे रोजा कमली वाले दा जिथे रोजा कमली वाले दा ओए उस थां दी अरी कौन करे जिथे रोजा कमली वाले दा लख गजल कसीदे पढ़दा पर यार जहूरी सोने दिया ओए नाता दिया रीसा कौन करे पर यार जहूरी सोने दिया ओए नाता दिया कौन करे एक करी मेरे नाल आख्या जे किड्डा सोना नाम मोहम्मद दा इस नाम दी अरी अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हमद सना दुरूद ला महदूद प्यारे आका मौला इमामुल अंबिया शाफ़ए हर दो शरा रहमत दो आलम जाने कायनात जाने जहाने कायनात शबे अशरा दे दुल्हा मेरे और तुहाडे आका नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह नाज़ दे अंदर गुल हयाकीदत दे फुल निछावर करने तो बाद वाजिब अल इहतराम लायक के सब तकरीम व इहतराम शामिल हजरात अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात दी बेपनाह करम और उसदा फजल शामिल हाल होया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जिक्र खैर दे अंदर सानू ए घड़ियां नसीब फरमाईयां किबला अलामा अमर सुहेल साहब सरदार साहब हुक्म फरमाया कि तकरीर असी करांगे प्रोग्राम भी साडा है तो तुसी भी तशरीफ ले आया जे तुहानू भी सरकार दे गुलामां दी ज़ियारत दा मौका दित्ता जाएगा अज दी इस बज़्मे पाक दे अंदर ज़ेब-ए-मसनद सदारत सूफी बासफा
आले नबी औलाद अली जिगर गोशाए बतूल नस्ले रसूल साहबजादा वाला शान जनाब मुहतरम मुकाम पीर सैयद मोहम्मद हामिद शाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया कुद्दसा सिर्रहु आप तशरीफ फरमाने। दीगर जुमला उलमाए किराम मेरी मुराद बरादरे मुकर्रम आलम नबील फादल जलील मेरे मसलक की पहचान जेडे बिलखसूस तारफ के मोहताज नहीं तुहाडे कोल इत्थे रह के गए ने और मैं इस शख्सियत बारे अगे बड़ा इस चीज़ तो हैरान होना कि ये करमा वाले एडे सिर सड़े बंदे ने कि बाबियां तक जिहड़ा ना मसलकी हवाले नाल पक्के पीड़े जनाबे वाला अकायद पता नहीं मुड़ बंदियां नूं की हुंदा है। अल्लाह तुहानूं तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। ग्रामी कदर हजरात बरादरी असगर हजरतुल अलामा मौलाना मोहम्मद सुहेल रजवी साहब आप बड़ा प्यार फरमांदे ने आपने भी दावत दा शरफ बख्शिया। आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी किबला अतारी साहब तशरीफ फरमाने जितने जुमला उलमाए किराम तशरीफ फरमाओ अल्लाह ताला आपने इलम दे अंदर अमल दे अंदर बरकत अता फरमाए। जिन्हां दे चेहरे नूरानी चमकदे और दिसदे ने पै मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहू फिद्दीन। तकरीर अलामा साहब ने कर छड़ी है मैं एक तालिब इलम होने दे हसीयत दे नाल जनाब दे सामने चंद एक मारूजात और अपना सबक जिहड़ा है वह सुनाउण दी कोशिश करांगा। दुआ गो हाँ अल्लाह ताला अपने हबीब नबी करीम अलैहिस्सलाम दे जोड़ियां पाकां दा सदका अल्लाह हक गोई दी तौफीक अता फरमाए। जे तवज्जो है ज़ौक है मुहब्बत है ते इकरी जरा सुभान अल्लाह आखो ना। गिरामी कदर हजरात अल्लाह करीम ने कुरान मजीद दे अंदर इरशाद पाक फरमाया युरीदून लियुतफिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। लफ्ज़ युरीदून उलमा जो के तशरीफ फरमाने दुआ करनगे जमा मुजक्कर गायब दा शीगा फिल मुजारे तो और फिल मुजारे मुश्तरक होंदा है इसके अंदर दो जमाने पाए जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों इसके अंदर भी हिकमत है कि यह मुजारे दा शीगा क्यों है। हालिया दौर के अंदर भी और आइंदा दौर दे अंदर भी वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै ना वो साडे सज्जन हो सकते ने ना असी उनांदे सज्जन हो सकते हैं। मैं जनाब के सामने बिल्कुल गुफ्तगू उतो थोड़ी जी लैके चुड़न लगा जिथो अलामा साहब ने खत्म फरमाई तवज्जो फरमाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो आप दा भी मुद्दा ए या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इत्थे हुजूर नूरानियत दी शक्ल दे अंदर तशरीफ लेके आ जावन ना ते बंदा ऐब नहीं कढ़दा। जेड़ा बंदा सुत्ता है उहदे लई भावें जो दिल हो जाए तो आका हुजूर अलैहि सलातो सलाम दे गुलामों अल्लाह दे नबी नू तीन वजह नाल बशर आख्या जा सकदा है। लो ए तीन जिहड़ियां वजह दसण लगा उलमा दी आलमे दीन ने तुहाडे कोल भी रह के गए ने मुदल्लल बयान करदे ने मैं ते इहनां दे लफ्ज़ चुरा के ते गल्लां करना। ए तीन लफज याद कर लिया जे तीन जुमले अर्ज कर लगा पूरी तकरीर की समझ आ जाएगी अलामा साहब की भी तो मेरी भी सादे। तीन हस्तियां या तीन जातां कर लो कि वह नबी नू बशर आख सकदियां। एक अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलातो सलाम नू बशर आख सकदा है और दूसरा नबी अपने आप नू बशर आख सकता है ते तीसरा काफिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों नबी नू बशर आख सकदे ने। जिवे नूह अलैहि सलातो सलाम नू उन्होंने आख्या तुसी साडे वर्गे हो मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलातो सलाम ने रोजे रखे ना सहाबा भी रख लै मुहब्बत आई ना सरकार मदीना अलैहि सलाम दे उन्हां गुलामां दी
रखे उन्हें तो जो जनाबे वाला लागर थे कमजोर होने लग पाया। हुजूर फरमाते ने की होया जे खैर ते है वे हुजूर तुसां रोजे रखे ने असीं भी फरमाया मैं अपने रब को छड़ना भी हाँ इफतारी भी करना तो मैं सहरी भी करना। हुजूर खुद फरमाते ने अय्युकुम मिसली सहाबा मुड़ तुसीं मेरी मिसल हो तू ही नहीं बोले मैं उन्हां दी गल करना जिन्हां तीन तीन वेरी हुजूर को जन्नत खरीदी है। भाइया तू किहड़े मोड़ ते खलोता है खरे जाना ही कि कोई ना जिन्हां नूं हुजूर ने अशरा मुबशरा सहाबा जिन्हां नूं सरकार ने आप इस दुनिया के उत्ते जन्नत की बिशारा दी हुजूर आंदे ने अय्युकुम मिसली तुसीं मेरे वर्गे हो। शबीर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी कबर दे उत्ते अल्लाह पाक हजूर करोड़ा रहमतां फरमाया आप जुमला बोलते होंगे है आप फरमाते हैं जिवें सदर साहब फरमाते ना पै मुहम्मद असलम मन्नण दे अंदर जनाबे वाला है वे वह फरमाते होंगे है वही जदों किसी बच्ची का निकाह होंदा है ना तो उन्हें पहले पूछना चाहिए है तेरा रंग जड़ा है वो थोड़ा जहा माठा है तू पढ़िया कोई नहीं तू कारोबार कोई नहीं करता तो इंज तो फलाना तो फलाना तो फरमाया जदों निकाह हो जाए फिर सारे नालों सोहना वो वास्ते वो ही होंदा है वह जदों कलमा पढ़ लिए तो फिर नवी पाक सरकार के बारे इंज गल करना पे वह दराणिया आखन जिठाणिया आखन सौकड़ा आखन पुत्रा का हक तो नहीं बनता। नबी अपनी उम्मत का रूहानी बाप हुंदा है ते नबी दा नबी होना ही काफी है अपनी उम्मत वास्ते। ओ मुड़ सादे बंदे आन ना पढ़े भी आन तो समझा जान दे आंदे आ दराणियां जठाणियां सौकणा आखण भी फलां दा खसम है फलां दा खसम है ते जे बच्चा ही आखे कि मेरी वालदा दिया खसमा ओनू फबदा नहीं ओनू ए फबदा है अबू जी ओ बेलिया तेनू नहीं फबदा तेनू ये फबदा है जदों भी बोले आखे या रसूल अल्लाह मौला अली पाक दी जात एडी वड्डी हस्ती आंदे ने सुने मैनू किसी का भरा बनाया ही नहीं जे करीम नबी सलाम फरमाते ने अंत आखी फिर दुनिया वल आखिरा अली तू दुनिया में भी मेरा भरा है तू आखिरत भी मेरा भरा है किदे अली पाक फरमाया होवे कि तू निक्का भरा है या वड्डा फरमाए नहीं नहीं जदों ही बोले ने हाथ जोड़ के अर्ज की सोने लजपाला लब्बई का वसादई का या रसूल अल्लाह तुसी ते आका जी या रसूल अल्लाह तो ही आंदे रहो। ओ बाबे वारिशा बड़ा सोहना तर्जमा किया ना जिन्ना अबू जहल की तरह अपना आप नू शीशा बना के ते विचू नबी पाक सल्लम वेख्या ना भी उन्होंने भी दो हाथ मेरे भी दो हाथ जनाबे वाला उन्होंने भी दो अखा ते मेरिया भी दो अखा उन्होंने भी जनाबे वाला कन मेरे भी कन उन्होंने भी जुल्फ मुबारक साड़ी भी जनाबे वाला वाल उन्होंने भी दो पैर साढ़े भी दो पैर फरमाया गुमराह ही होए ने जिन्हें अब्दुल्ला का पुत्र वेख के मनिया ना वह गुमराह हो गया वह पटड़ी तो लै गया जिन्हें आख्या है ना कि मेरे भी दो हाथ थे भी दो हाथ अलामा साहब वो हाथ हो गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जिन्हें फारस तो आके जिन्हें हबशे तो आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेख्या है तो आख्या सोने कमली वाले ना तेन वेख्या ही नहीं तेरे वर्गा तो मां ने दूसरा लाल जड़िया ही नहीं। सैयद वारिशाह मेरे जनाबे वाला शेखपुरे दे ताजदार बोले ने फरमांदे ने जिन्ने नहीं डिठा वही करे गल्ला जिन्हें वेख लिया ते बोल दे नहीं जिन्हे राज हकीकत जान गए ने हो ओ ते राज हकीकत दा खोल दे नहीं हजरत जनाबे वाला जाबिर बल्कि गल मेरे ज़हन दे अंदर आ गई है हुणी मैं करके आया उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह
हाथ जोड़ के अर्ज कर देने सोना मैंने गल दसो अल्लाह ने सब तो पहले कड़ी चीज नु पैदा फरमाया मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लबहाए मुबारक जनाबे वाला खुले ने लजपाल मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जनाबे वाला अपने होंठ मुबारक खोले ने मीठा मीठा बोले आए कमली वाले आका हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ने फरमाया الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره फरमाते ने जाबिर अल्लाह ने अपने नूर दे विचों तेरे नबी दे नूर नु पैदा फरमाया आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर नु पैदा फरमाण दे नाल अल्लाह दा नूर घट नहीं गया मैं क्यों तेरा खुदा होवेगा जिदा नूर घट गया मेरे नबी दे गुलामो मेरे मुस्तफा दा रब ते ओ है जिहड़ा सारिया कायनात दे अंदर जनाबे वाला रोशनियां बिखेरन वाला है जिहड़ा सारी कायनात दे अंदर चानण लावण वाला है जिहड़ा सारी कायनात के अंदर नूर फैलाने वाला है जिदा ईलान तबारक अल्लाजी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर रब ते ओ जिने जनाबे वाला महबूब दे नूर नु पैदा फरमाया बोलो की सरकार दे नूर नु पैदा फरमाया आका हुजूर अलैहि सलातो सलाम एक दफा तकरीर फरमाने ते मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया जिब्रील उरा आवे ना अर्ज कीती जी आका फरमाया तेरी उम्र किन्नी है अर्ज कीती सोहणे अल्लाह जी पाला मदीने दे ताजदारा उम्र दा ते कोई अंदाजा कोई नहीं पर चौथे आसमान दे उत्ते ना एक तारा चढ़दा है जिहड़ा बड़ा जनाबे वाला रोशन हुंदा है चमकदार हुंदा है फरमाया ते किन्नी वेरी वेख्या ई अर्ज कीती या रसूल अल्लाह मैं उहनूं वेख्या जनाबे वाला 72,000 मरतबा 70,000 मरतबा 70,000 जनाबे वाला साल वो डुबिया रहंदा है मुड़ 70,000 साल तो बाद चढ़दा है गिरामी कदर हजरात मेरे आका ने सलातो सलाम फरमांदे ने उस तारे नूं अगर तैनूं विखाया जावे ते सियाण या रसूल अल्लाह मैं 24,000 पैगंबरां दा सहाबी हां कमली वाले लजपाला मदीने दे ताजदारा बंदा ते अकल वाला होवे ते एक वारी किसे नूं जनाबे वाला वेख लवे ते पहचान लैंदा है मैं ते उहनूं कई हजार सौ साल वेखदा रहा वां मेरे आका ने हे इंज करके मामा थोड़ा जिहा पिछा कीता फरमाया वेखां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनल कौकब आकल सलाम फरमांदे ने ओ तारा वेखां अर्ज कीती सोहणिया लजपाला जिवें तुसीं आप आखदे पो मैं ही ओ तारा ते ए बिल्कुल रोशनी उसे तारे दी है यानी जिब्रील भी आखदे ने पए कि कमली वालिया अल्लाह ने तैनूं नूर बनाया है गिरामी कदर हजरात हजरत जाबिर आखदे ने पए अल्लाह ने तैनूं नूर बनाया है इधर हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हजरत सय्यदा पाक हजरत अम्मा आमिना पाक आप फरमांदियां ने लाइट जरा बाल के लिया जरा मोबाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार जदों मेरे बतने मुकद्दस दे विचों जनाबे वाला नूर दा माना की है नूर दा माना है लाइट की है जनाब मैं किसी गल ते तुहानूं खड़ना चाहना की है लाइट लाइट लगी है ना अल फरूक साउंड दी ते सारा कुछ दिसदा जे ना पिया नूर दा माना है चानना नूर दा माना है रोशनी नूर दा माना है लाइट ते मेरा नबी ओ है जिदे नाल सारियां लाइटां बलदियां ए लाइट है ना छोटी जी एदी की कंपैसिटी हो सकदी है ते ए वेखो ना जनाबे वाला ए चानना दिसदा पिया जे नाखून जिथों मैला है वह भी दिसदा है पिया जिथों रोशन है जनाबे वाला जिथों साफ सुथरा है उतों भी दिसदा है पिया लेकिन अगर इन्हू इंज करके हटा दिता जाए पिछे नूर ना हो लाइट ना हो तो हुण दिसदा है आओ अम्मा अमना पाक कोल पुछ लईए नूर दा माना रोशनी हुंदा है तो जदों नबी पाक सरकार तशरीफ लैके आए ना तुहानू की कुछ दिसिया है ए तुहानू सारा कुछ दिसदा ना पिया ए नूर दी जनाबे वाला ए लाइट दी इन्नी कु कंपैसिटी है वे इन्नी कु ताकत है वे अम्मा मिना फरमानिया ने खारा जा मिन्नी नूर
जदों मेरे इमामुल अंबिया दुनिया ते तशरीफ लेके आए कमली वाले आका हुज़ूर अलैहि सलातो सलाम दी आमद आमद होई ओ लोगों मैं बैठी मक्के पाक दे अंदर आ मुल्के शाम दे महल्लात वेख लेने मैं क्या पता लग्या अम्मा आमीना पाक तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अपने बेटे नु कोनी जानन वाला ए ओ सोना नूर बन के आया है कमली वाले आका सलाम दे गुलाम सय्यदा आमीना पाक तो खारिज होया है ते मक्के पाक दे अंदर बैठिया शाम दे महल्लात नजर आ गए ने आओ जरा सुन दे जाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजिया ते नूर भेजिया जिब्रील लेके आए ते नूर लेके आए अम्मा पाक दे शिकमे पाक दे अंदर आया ते जनाबे वाला नूर आया हजरत जाबिर पाक ने फरमाया ते नूर दे बारे फरमाया ए कोई जाबिर पाक फरमांदे ने लोगो नूर दी बड़ी रोशनी हुंदी है नूर चमकदार चीज जड़ी होवे बड़ी सोहनी हुंदी है मेरे आका हुज़ूर अलैहि सलाम दा सहाबी बोलिया है आंदे ने एक दिन मैं वेख्या की इंज करके चौदहवीं रात दा चन चढ़िया होया मैं अपने बिस्तरे ते पिया होया मैं आख्या वीर रखदा है मैं बड़ा सोहना हमशीर रखदी है मेरा वीर बड़ा सोहना है इधर चन दियां मिसालां देंदे ने बाप आखदा है मेरा पुत्र चन वरगा है ये भैन आखदी है मेरा वीर चन वरगा है मत्था चुम के मां आखदी है मेरा पुत्र चन वरगा है जाबिर फरमांदे ने ओ लोगो मेरे जहन दे अंदर दलील बनी मैं जनाबे वाला वेना वा पिया आसमाना दा चन बड़ा सुनदा जनाबे वाला चमकदा है पिया मैं आख्या चन्ना तेरे सोहने होण दियां जनाबे वाला बड़े मिसालां देंदे ने ऐ चन्ना एक साडा यार वी चन्न मैं मवाजना करके वेखां ते सही मैं मुकाबला करा के वेखां ते सही मैं जरा तोल के वेखां ते सही ए आसमाना दा चन्न सोहना है या मदीने दा चन्न सोहना है आसमाना दा चन सोना है या मदीने दा चन सोना है हजरत जाबिर उठे ने खरामा खरामा मेरे नबी लजपाल आका हुज़ूर अलैहि सलातो सलाम दी पाक बरगाह दे अंदर अर्ज करदे ने सरकारे मदीना अलैहि सलाम दे दरबार गोहरबार दे अंदर पहुंचे ने एक नजर आसमाना दे चन वल वेखदे ने दूसरी नजर मदीने दे चन वल वेखदे ने आंदे चन्ना मैं फैसला कीता है कल कमर लैलतुल बद्र लम अरा कबलहु वला बादहु मिसला रब्बे कायनात कसम लम अरा गिरामी कदर हजरात लफ्ज़े लम ए मुजारे ते दाखिल होंदे फरमांदे ने ना मैं हुण कदे वेख्या है ना आइंदा जमाने दे अंदर एडा कोई सोना वेख्या है फैजा हुआ अहसन इंदी मिनल कमर मैं इस नतीजे ते पहुंचया लोग तेरियां एवें मिसालां देंदे ने तू ते मदीना ने दे चन दे पैर मुबारक वर्गा भी नहीं बाबा ते बगानियां दा ये जी बाबा बगानियां दा ये ते उन जान दे ओदी बोली तर्जमा कर ना लईए आ कुछ चंगी गल कर छड़े ते दाद देनी चाहिदी भावें दुश्मन ही क्यों ना होवे गिरामी कदर हजरात हजरत जाबिर दी इस हदीसे पाक दा तर्जमा करदे होया बाबा आंदे एक दिन मैं डिठा मोहम्मद प्यारा ए चन दी सी चौदा ते कोई कोई सितारा मैं दोबारा दोबारा ये चन दी सी चौदा ते कोई कोई सितारा मैं देखा तो मानू दोबारा दोबारा कसम खुदा दी चन मधम दिसावे मोहम्मद दा चेहरा सोहना नजरी आवे ए तो मेरे आका हुज़ूर अलैहि सलातो सलाम दी जाते मुकद्दस है ना रब्बे क
काबा दी इज्जत दी कसम है जिदे दिल च मुहम्मद दा नूर वसया है, ओ हुजूर दे गुलामां दे गुलामां दे गुलामां दे गुलामां दा गुलाम होवे ओदा कोई मुकाबला नहीं कर सकदा। उलमा सारे इस गल नु जानदे ने, टाइम काफी हो गया तुसीं गए हो थक, नहीं तां तकरीर मैं चंगी कर जानी सी। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। ना तुसी कुरान सुन के जनाब बोलदे हो पे, ना हदीस पाक सुन के बोलदे पे, ना तुसी शेर सुन के बोलदे पे। अल्लाह दे बंदे जे तंग बैठे हो तो फिर छुट्टी करिए। स्पीकर दी समझ आउंदी पी जनाब नू? स्पीकर दी समझ आउंदी पी जनाब? एडा कोई भी नहीं रौला। अल्लाह दे बंदे तुसी सानू जरा इज्जत दे के उत्ते बा छड़िया भी, सरकार दी ना तां पढ़दे ने और असीं भी तुहाडे वर्गे ही, असीं केड़ा कुत्तू आए ते सुभान अल्लाह तुसी भी आखी आओ तुहाडे वर्गा केड़ा है। ਇੱਥੇ ਜੋ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨਾ, ਉਲਮਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹੀ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬਵਿਆ ਕਰ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬਵਿਆ ਕਰ। ਬਈ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਐ ਸਿਰ ਦੂ ਤੂੰ ਵਾਲ ਲਵਾ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੀਰੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ, ਆਪ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਬਰਵਾਏ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਲਮਾ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ੇ ਜੌਂ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਿਖਾਓ, ਊਠਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦੀਆਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਜਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਹਵਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਿਮਚੇ ਚਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇਮਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਆਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਆਖਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ। ਤੋ ਆਪਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੀ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਐਡਾ ਤਾਜਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੜੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦੀਨ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਨਾ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਸੁਨਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਅਕਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਜਦੋਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਉਠਾਇਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨਤ ਸਿਖਾਈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦੀਨ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਤਹਿਕੀਕ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ, ਨਾਰਾਏ ਗੌਸੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਆਮਦ, ਪੁਰਨੂਰ ਕੀ ਆਮਦ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੁਸਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਅਕਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸਨਾ ਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂਦ ਪੈ ਗਿਆ ਕੌਣ? ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਓਏ ਮੀਆਂ ਰੱਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਯੂਸ
सफीर किनानी तीन महीने रची दुनिया ते वेख यूसफ किनानी जिन्ना नबी मोहम्मद दी था ओते रज गए दोही जहां अंदर अर्द करा मेरे करीम दे गुलाम बाबा आंदा है उस ताजर ने जनाबे वाला हुजूर नु वेख्या ही नहीं उन्हें हुजूर दे गुलामां दे गुलामां दे गुलामां दे गुलामां नु वेख्या है ते जनाबे वाला दिल दे बैठा है कलमा जनाबे वाला पढ़ लिया सा अपने प्यो दादे दा दीन जनाबे वाला छड़ दिता सा अगर मैं उथे होंदा ते मैं आखना सी ओ बेलिया इत्थे हुजूर दे गुलामां दी शान एडे सोहणे ने पर तू अजे मेरा महबूब ते जिन्नू वेख के जन शर्मावे अजे ओ जावे सैर करनी नो ते सारा गुलशन सिर नो झुकावे जे रखे सोना हाथ नाल फुलावे जे रखे सोना हाथ नाल फुलावे ते हाथ फुल्ला तो बध जावे ओए बिजली डरदी ओनू लिशक न मारे ते किते बेअदबी ना हो जावे जे खोले सोना वल जुल्फां दे ते राही रा भुल जावे ओए अद्धी राती ओए दिन चढ़ जावे जे सोना मुख तो नकाब हटा इलम खुदा ने उन्हों एना दीता जेड़ा अकला वेचना आवे अकल खुदा ने उन्हों एनी बख्शी वे जेड़ी इलमा तो बध जा जाज आका नजर विच तेरी ओ जेड़ा आवे ओ विख जावे पेशानी उत्ते चमक नूरानी ओ यारो नैना कजल सुहावे आसम ये डाओ सोना माही ओ सानू किधरे न
नजर नया वे आजम ओदी ओ शान की दसा ओए उठे गिनती ही मुक जा आओ गल इख्तिताम वाले लै चलिए बाप की शान पढ़नी साढ़े सारे दे बाप कौन ने जी सारे बोलो इतने कुछ जीव चोत नहीं जेड़े आंदे ने बाबे तो बगैर मज़ा मिलदियां नहीं जे तो मिलदियां तो फिर आखो ना बाबे और आराम की जरूरत है तो आखो सुभान अल्लाह सारे वालदे मोहतरम कौन ने हजरत भावे कई हजार सौ साल गुजर गए ने असी उन्होंने ही चुने जेड़े आंदे ने बाबे शाही को नहीं असी लाली प्यो दे पुत्र हाँ भाई आ लाली प्यो दे पुत्र हाँ तो मां का भी इनकार की बैठा भाई علامہ صاحب فرمایا بابیاں تو بغیر تے کسے گل دی سمجھ آوندی ہی نہیں اللہ اکبر یہ ایڈا سونا ہے ایڈا سونا میرا نبی ہے ایڈا سونا نبی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے نا انج کر کے گرد فرشتے چکر لاوندے پیاں عرض کردے نے سونے رب اے انہاں نوں کی گل ہے خیر تے ہے وے فرمایا تیری پیشانی دے وچ آدم میں اپنے محبوب دا نور رکھیا ہے ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈ ਸੋਹਣਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਗਿਰਦ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਰ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਫਸੀਰ ਰੂਹੁਲ ਬਿਆਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਸਨਾਉਲਾ ਪਾਨੀਪਤੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਆਪ ਨਕਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਚੁੰਮਿਆਂ ਤੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਬੋਲਣਾ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮਸਜਿਦ ਬਾ ਹਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਏ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਆਇਆ ਨਾ ਚੁੰਮਿਆਂ ਤੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਨਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਅਕਲ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਿੱਦੀਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਨਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕਾ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਨਤ ਅਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਰਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸਦਕੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੂਨਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੁਨਤ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੇ ਆਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ आप शहीद हो सकता है आप दुनिया तो जा सकता है अखां सलामत हो या ते यार दे नां दा सदका ओदी कदी बिनाई खत्म नहीं होवेगी अल्लाहु अकबर किदे पुत्रां जी फिर सबक पढ़िए जरा आदम अलैहि सलाम अलामा अमर साहब फरमाया भी बाप की शान पढ़नी में पढ़न लगा इंशाअल्लाह हजरत आदम अलैहि सलातो सलाम ने चुमिया चुम के अखां दे उत्ते ला लिया कौन आदम अलैहि सलातो सलाम एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात फरमाया जिब्रील अर्ज की जी रब्बे जलील फरमाया मेरे प्यारे नु सैर करा जन्नत के दरवाजे अगे ले आए वेख्या तो जन्नत के दरवाजे के उत्ते ना इंज करके जनाबे वाला मेरे महबूब का नाम लिखा होया उलमा तशरीफ फरमान है किबला तारी साहब अल्लाह दे प्यारे आदम अला नबी ने अर्ज की सोनिया मैं खलीफा भी मौजूद हाँ खुलफ भी मौजूद है ये कौन है जिदा मेरे आने तो पहले जन्नत के दरवाजे तो ना लिखे आई वह भाई उस्मान का घर हो भाई उस्मान का ही ना होना है जो बड़ा प्यार हो दूसरे भरा मोहम्मद अमन का ना हो जाएगा या उन्होंने वालिद साहब का ना होगा या उन्होंने अपने बच्चों का ना होगा
प्यारे दा ही होवेगा ना, यानी उन्हें दसना ये वे कि ये जिहड़ा घर है ना भाई मुहम्मद उस्मान दा या भाई मुहम्मद अहमद दा या उन्हां दा जनाबे वाला कोई जिहड़े वाले साहब ने उन्हां दा या उन्हां दी कोई ऐसी हस्ती जिन्हां नाल वो प्यार करदे ने, दसना ये ने ये प्यार वाला है ते ये घर दा मालिक है। हजरत आदम ने सलातो सलाम हजरत जबरील नू फरमांदे ने कि ये की है, अल्लाह दी पाक बारगाह दे अंदर अर्ज की थी, या रब्बे जलील की दशा, फरमाया दसना की है, दस एना ही कि ए प्यारे आदम जी ये तुसी इंसानियत दे बाप हो, इस नां नू याद कर लो कदे औखे वेले काम आ जाएगा। नहीं तुसी इंज बोले नहीं, उची बोलो, इस नां नू याद कर लो कदे औखे वेले काम आ जाएगा। हजरत आदम अलैहि सलातो सलाम जनाबे वाला अंदर दाखिल होए, सैर की, वक्त ऐसा आ गया कि आप दुनिया से तशरीफ लेके आ गए, कई सौ साल गुजर गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों इंज करके ना तफसीर शरीफ के अंदर आंदा, इंज करके नजर उतां उठाई ते उठा के वेख्या ना ते अरश दे उत्ते जनाबे वाला नजर पई, किंगरियां दे उत्ते लिखिया सी मुस्तफा करीम दा नाम, आख्या सोणिया ए ओ ही जिहड़ा जन्नत दे दरवाजे ते लिखिया सी या रब्बल आलमीन इन्ना आदम इंदा मासियतही काल अल्लाहुम्मा बिहक मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इगफिरली खतियती व तकब्बल तौबती। हदीस पाक दा इंज इस्तकबाल करी दा, इन्ना आदम इंदा मासियतिहि काल अल्लाहुम्मा बिहक मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इगफिरली खतियती व तकब्बल तौबती। सोनिया रब्बा अर्श दे किंगरियां ते भी तेरे यार दा नाम लिखिया है, मुहम्मद दा नाम लिखिया है, आका दा नाम लिखिया है, प्यारे नबी दा नाम लिखिया है, मेरे पुत्र दा नाम लिखिया है। सोनिया रब्बा ये जन्नत के दरवाजे ते भी लिखिया सी, कई सौ साल गुजर गए ने, ते की करना है या रब्बल आलमीन, फिर इंज कर, नहीं दुआ कबूल करदा पिया, नहीं तौबा कबूल करदा पिया, बेहक मुहम्मदिन बेहक मुहम्मदिन बेहक मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इगफिरली खतीअती व तकब्बल तौबती। या रब्बल आलमीन जेड़ा कुछ होना सी वो ते हो गया, अपने यार दा सदका ही मेरी दुआ नु कबूल फरमा ले। अल्लाह फरमाया एक दकीका, एक लम्हा, एक साथ, एक सेकंड, एक मिनट भी नहीं सी गुजरना जे तू यार दा पहले वास्ता दे देता दे। जे तुहाडा मूड होवे ते अगे हदीस पाक पढ़ लीए। खालिक कायनात जल्ला मजदुहुल करीम ने इरशाद पाक फरमाया, फरमाया एक लम्हा भी नहीं सी गुजरना जे आदम मेरे यार दा वास्ता पहले दे देंदो ते। लेकिन एक गल दस, तौबा ते कबूल होण वाली हो ही गई, फकाल अल्लाहु मिन अयना अरफ्ता मुहम्मदा, ओ यार ते अजे आउणा है ते तू मेरे यार नूं किवें जाणना है। अर्ज करदे ने सोणिया रब्बा, या रब्बल आलमीन जदों जन्नत दे अंदर दाखिल होया, जन्नत दे दरवाजे ते ही नहीं बल्कि जनाबे वाला मैं जदों जन्नत दे अंदर गया वा, मैं वेख्या कि ये गिलमां सीनिया ते तेरे यार दा नां लिखिया है, तेरे यार दा नाम लिखिया है, इधर हूरां दियां पेशानियां ते तेरे यार दा नाम लिखिया है। अल्लाह सोणिया मैं वेख्या है शजरे तूबा दियां टाणियां ते तेरे यार दा नाम लिखिया है, शजरे तूबा दियां पत्रियां ते तेरे नबी दा नाम लिखिया है, इब्राहिम खलील पाक दे महल ते तेरे नबी दा नाम लिखिया है। गिरामी कदर हजरात फरमाया यकूतो मरजान दे जनाबे वाला पत्थरां ते तेरे नबी दा नाम लिखिया है, या रब्बल आलमीन नहरां दियां किनारियां ते तेरे नबी दा नाम लिखे आए। मैं देखिया आए हर चीज ते तेरे यार दा नाम लिखिया है, काल रही तू फी कुल्ली मौदी मिनल जन्नत मक्तूब अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बनाया तू किवें जान गया है, या रब्बा सोनिया मैं हाथ ता बन्ने ने फालिम जो फालिम जो फालिम जो ए माजी है, या रब्बल आलमीन मैं कई हजार सौ साल पहले कुरान दियां आवाजां सुनता रहा, ए ओ होई ते कुरान वाला है, ए ओ होई ते जन्नत दा मालिक है, फालिम तो मैं जान गया अन्नहु अकरमु खल्किका अलैका फताब अल्लाहु अलैहि व गफरला, या अल्लाह मैं जान गया बेशक मेरा पुत्र है पर जन्नत लभनी है ते यार दा सदका ही लभनी है। देखो इत्थे जरा हुण इक गल दा मजा लिया, जे असी पुत्र किदे आ, मैं पुछिया सी अलामा अमर सुहेल पिछे या किबला सूफी साहब पिछे या तारी साहब लामा साहब पिछे
सड़क ही बनवा दो या मुंडा पढ़ गया तो कोटा आंदा एक जनाब इन्ने पुलिस च लग सकते ने इन्ने जनाब फौज च लग सकते ने इन्ने जिहड़े ने फलां महकमे दे अंदर भर्ती हो जाते हैं जिन्हां नूं वोट दिते साजे ना साडे कोल लै के ते उहनां कोल कोटा आया इन्ने बंदे पुलिस च भर्ती हो सकते ने ते मुंडा साडा पढ़ गया तो भर्ती जिहड़ा उह करा दिओ फौज च करा दिओ वापड़ च करा दिओ पुलिस च करा दिओ आर्मी च करा दिओ इंज हुंदा है कि नहीं पुत्तर आदम अलैहि सलातो सलाम दे तौबा कबूल हो गई ते हथ जोड़ के अर्ज़ करदे ने सोहणिया रब्बा मुहम्मद दा कोटा सिर्फ यही है कि आदम दी तौबा कबूल करवा सकदा है अल्लाह फरमाया मेरे यार दा कोटा अगर पुछना चाहना है ए प्यारे आदम जी वा इज्जती वजलाली इन्नहु ला आखिरु नबीना बिल ज़ुर्रियति कवलौला हुमा खलकतक मैनु अपनी इज्जत जलालियत दी कसमी मैनु अपनी जब्बारियत कहारियत दी कसमी मिल ज़ुर्रियति का ए पुत्र ता तेरा है एदा कोटा ए वे वलौला हुमा खलकतक अगर इनु मैं पैदा ना करदा वला शजरन वला हजरन वला जिल्लन वला इंसन कोई जमीन ना बनाऊंदा कोई आसमान ना बनाऊंदा कोई जनाबे वाला जिन ना बनाऊंदा कोई इंसान ना बनाऊंदा मैं जनाबे वाला कोई शजर ना बनाऊंदा कोई हजर ना बनाऊंदा बाबियां तर्जमा कीता फरमांदे ने फलक खूबसूरत सजाया ना हुंदा हयाती ममाती ना मोया ना दिंदा ना मिलाद हुंदे ना आनात खानी ना हुंदा जहूरी ना ए खुश बयानी किसे चीज दा इत्थे साया ना हुंदा जे रब ने मुहम्मद बनाया ना हुंदा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया या रब्बुल आलमीन ए खालिक ए कायनात ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦਾ ਬਾਬੇ ਬਾਹੂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੁਮੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਬੇ ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਆ ਘਰ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਵਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਨੇ ਅੰਕਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਫਰਮਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਮੀ ਕਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਉਣਾ ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਉਮਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਏ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਫਕਤ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सुल्तान अल-आरिफीन बोले ने फरमाते ने बे बिस्मिल्ला इसमी जिस दाए दे पसारा नाल शफात ओ मियां सरे
दरे आलम ते छुप सी आलम ए सारा मैं कुर्बान ओ ना जो बाहो ते जिना मिलिया नबी प्यारा پڑھدہ ہویا آ جائے گا نا تے میرا یار دے نام دا وعدہ ہے کہ کالا لا اعذب من کالہا ایک دوزخ دے اندر نہیں چھٹاں گا دوسرا جنتی بنا چھڈاں گا سونیا جڈا بھی گناہگار ہوئے فرمایا جدو یار دا نام لے کے آنا سو میں وہ دی گناہگاری وال ویکھاں یا یار دی یاری وال ویکھاں جی تو گرامی قدر حضرات بھائی محمد عثمان بھائی محمد احمد انہاں دے لواحقین جڑے سدارے فانی تو چلے گئے نے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے یہی والد دی شان ہے کہ جڑا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جڑا بابیاں دی شان نو پہچان جاوے وہ سمجھ لوے کہ میں اپنے والد دی شان نو پہچان لیا ہے اللہ جناب دی اور میری حاضری نو قبول و منظور فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طفیل جو کچھ میں پڑھیا صحیح کلام پڑھیا میرے استاداں دی محنت میرے پیر و مرشد دی دعا میرے ماں باپ دی دعا اور جو سبقت لسانی دی وجہ تو کوئی حرف حروف لفظ جملے دے اندر غلطی ہوئی وہ میری اپنی کمی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما